हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन फो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर खा पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से कैसे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी इस एप्लीकेशन पे शुरू करोगे, यानी कि कैसे आप इस एप्लीकेशन पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से अपना फर्स्ट स्टॉक बाय करोगे, सेल करोगे। आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि शेयर खा पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से कैसे आप अपना स्टॉक बाय करोगे, कैसे सेल करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो अगर आपके फ़ोन में शेयर खा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना होगा। और लॉग इन करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दो तरह के पासवर्ड क्रिएट करने होते हैं, एक ट्रेडिंग के लिए और एक यहाँ पे अकाउंट को लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पर अकाउंट लॉग इन करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्विटी का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जहाँ पर इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट, यानी कि ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाता है, ओवरव्यू का, मार्केट वॉच का, ट्रेड एंड कोड का। ट्रेड एंड कोड के अलावा आपको यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, मोर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे आप अपना फर्स्ट स्टॉक बाय करोगे, कैसे सेल करोगे। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने डीमैट के अंदर फंड को ऐड करना होगा, यानी कि पैसे को ऐड करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, ऊपर आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको ऊपर से सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रांसफ़र फंड का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। देन आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड फंड का, विड्रॉ फंड का, एलोकेट फंड का। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐड फंड पे क्लिक करना होगा। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अमाउंट ऐड करना होगा, आप यहाँ पर कितना फंड ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दी है। उसके बाद आपका नीचे बैंक अकाउंट हो जाएगा, आप किस सेगमेंट में यहाँ पर फंड ऐड करना चाहते हैं वो सो हो जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करके अपना फंड यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इक्विटी रहने देना है। देन आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाय यूपीआई का, बाय नेट बैंकिंग का। तो आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू फंड ऐड करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन फी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और नीचे आपको अपना यूपीआई आईडी एंटर करना होगा, और यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी वही एंटर करनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो और जो अकाउंट आपके यहाँ पर डीमैट से लिंक हो। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, ट्रांसफर फंड पे क्लिक कर देना होगा। ट्रांसफर फंड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा। और जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन का आपने यहाँ पे यूपीआई आईडी मेंशन करी होगी, उस यूपीआई एप्लीकेशन पे आपको एक मैसेज और एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेटीएम का यूपीआई आईडी एंटर की है, तो पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद से मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होगा, जहाँ पे मुझे फंड को ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पेटीएम पे मुझे 200 रुपीज़ ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। आपको सिंपली करना क्या होगा, पे पे क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे अपना सेम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फंड ऐड नहीं होगा, तो आपको सिंपली सेम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिंपली फंड को ऐड कर लेना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं फंड प्रोसेसिंग हो रहा है, और यहाँ पे सिंपली हमारा जो फंड है ऐड हो चुका है। आपको सिंपली करना क्या होगा, मिनिमाइज करके आपको यहाँ पे शेयर खा एप्लीकेशन पे बैक आ जाना होगा। जैसा आप बैक आएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा जो फंड है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे फंड ऐड करने के बाद से अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी बैलेंस यहाँ पे 200 रुपीज़ तो होने लग गया है। तो इस तरह से आपको इस एप्लीकेशन पे फंड को ऐड कर लेना है। फंड ऐड करने के बाद से आपको सिंपली बैक आना होगा। बैक आने के बाद से आपको ट्रेड करने के लिए, अपना फेवरेट स्टॉक को बाय करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेड एंड कोड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा, इक्विटी का, डेरिवेटिव का, म्यूचुअल फंड का। तो आप यहाँ पर सिंपली इक्विटी पे क्लिक करेंगे अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। उसके बाद से नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, NSE का और BSE का। तो दोनों एक्सचेंज सेम है, आप कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक्सचेंज पर ही हमारे सारे स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेना है, आप NSE, BSE कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे एंटर इंडेक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने स्टॉक का नेम को सर्च कर सकते हैं, जिस भी कंपनी के आप यहाँ पर शेयर बाय करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर PNB का स्टॉक बाय करना चाहता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर PNB का स्टॉक सर्च कर लिया है। आपको सिंपली करना क्या होगा, PNB के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर, बाय एंड सेल का। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, बाय पे क्लिक कर देना होगा। बाय पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है 49 रुपीज़ के अप्रॉक्स, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की जो शेयर की प्राइस है 49 रुपये है एक शेयर की प्राइस। तो इसे बाय करना बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर नीचे एक्शन में बाय का ऑप्शन देखने को मिलेगा,
ऑर्डर टाइप में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्मल बास्केट, बास्केट TSL, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे क्वांटिटी एंटर करनी होगी, तो मैं यहाँ पे 4 शेयर बाय करना चाहता हूँ PNB का, क्योंकि मेरे पास 200 रुपीज़ की अमाउंट अवेलेबल है। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डिस्क्लोज क्वांटिटी का, तो आपको उसे चेंज नहीं करना है। और नीचे आपको प्राइस का ऑप्शन देखने मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर लिमिटेड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मार्केट रेट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देन आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वैलिडिटी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, GFT, IOC और MyGDT। तो अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर IOC सेलेक्ट करेंगे, किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो GFT सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली GFT सेलेक्ट कर लूँगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद से जैसे आप यहाँ पर ऑर्डर बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर को फुली एक्सक्यूट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो कन्फर्म हो चुका है और हमारा स्टॉक जो है बाय हो चुका है, और इसकी जो डिटेल होगी आपको पोर्टफोलियो में T+1 होल्डिंग में आपको देखने मिल जाएगी। तो इस तरह से आप शेयर खा पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आप जो भी आप स्टॉक बाय करेंगे उसे कैसे सेल करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। देन आपको सिंपली पोर्टफोलियो पे क्लिक करना होगा। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद से आपको देखने मिल जाएगा इक्विटी में आपने कौन कौन सा स्टॉक बाय करके रखे हैं, कितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि आपने कौन कौन सा स्टॉक बाय करके रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आइडिया का स्टॉक बाय करके रखा है, ट्राइडेंट का स्टॉक बाय करके रखा है, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है सारी चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए आइडिया का स्टॉक सेल करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद से आपको फिर से कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, बाय BSE, बाय NSE, सेल NSE, सेल BSE। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, कोई भी एक एक्सचेंज सेलेक्ट करना होगा सेल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सेल NSE सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से सेम पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राइस क्या चल रहा है, आपको सेल एक्शन रखना है, नॉर्मल सेट करना है, ऑर्डर टाइप, क्वांटिटी आपको कितनी सेल करनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी में 5 एंटर कर दूंगा। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको प्राइस सेट कर लेना होगा। तो मैं प्राइस जो है 7.05 रुपये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ पर सिंपली प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना होगा। प्लेस ऑर्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा प्रोसीड का। तो आपको अपने स्टॉक को फर्स्ट टाइम डे में सेल करने के लिए आपको यहाँ पर अपना TIFIN वेरीफाई करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपने TIFIN को एंटर करना होगा। अगर आपके पास TIFIN नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना TIFIN जनरेट करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना होगा TIFIN को जनरेट करने के लिए। देन आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको अपना BO ID और पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल ID पे एक OTP रिसीव होगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको OTP को कॉपी करके OTP वेरीफाई कर लेना होगा। OTP एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं हमारा जो TIFIN है फाइनली यहाँ पे जनरेट हो चुका है, मैसेज भी आ चुका है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको TIFIN को कॉपी कर लेना होगा। TIFIN को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो बैक टू लॉगिन पेज, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद से फिर से आपको अपने स्टॉक पे क्लिक करना होगा, सेल पे क्लिक करना होगा, क्वांटिटी एंटर करनी होगी। क्वांटिटी एंटर करने के बाद से आपको फिर से अपना प्राइस सेट कर लेना होगा। प्राइस सेट करने के बाद से आपको फिर से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद से आपको फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से अभी आपको TIFIN को एंटर कर देना होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ है। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं TIFIN वेरीफाई हो चुका है। देन आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिर से यहाँ पर कॉपी करके एंटर करना होगा। वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पर ऑथराइज का मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारा TIFIN जो है फाइनली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको क्लोज पे क्लिक करके बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद से यहाँ पर आपको ऑर्डर को कन्फर्म करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक पे क्लिक करना होगा। ऑर्डर बुक पे ऐसा क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है ऊपर पेंडिंग में शो होने लग गया है, क्योंकि जो प्राइस हमने सेट करी है उस प्राइस पर भी स्टॉक जैसे आएगा हमारा ऑर्डर जो है एक्सक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर TIFIN को वेरीफाई करके अपने स्टॉक को सेल कर पाएंगे। और यहाँ पर TIFIN को आपको डे में 1 टाइम वेरीफाई करना होता है, उसके बाद से आप यहाँ पर दिन भर अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। सेल करने के टाइम पर आपको TIFIN की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस तरह से TIFIN को वेरीफाई करना होगा, देन आप अपने ऑर्डर को सेल कर पाएंगे। और जैसा आप सेल करेंगे जो भी अमाउंट होगा आपका सेलिंग का 80% सेम डे क्रेडिट हो जाएगा और 20% आपको नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था यहाँ पर शेयर खा पे डीमैट अकाउंट को ओपन करने के बाद से फर्स्ट स्टॉक को बाय करने का, सेल करने का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।